गुड इवनिंग हिमाचल। पांवटा साहिब के पुरुवाला में बाता खड्ड में एक किसान बाता नदी में बह गया। पुलिस ड्रोन से भी नदी में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसान का कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत पुरुवाला के गांव बल्लूवाला का 40 वर्षीय किसान गुरविंद्र सिंह अपने परिवार के साथ खड्ड के पास खेतों में काम करने गया था। इसी बीच वह खड्ड किनारे गया और अचानक ही पैर फिसलने से खड्ड में गिर गया। नदी में पानी का बहाव अधिक होने के चलते किसान का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। डीएसपी पांवटा साहिब बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि व्यक्ति की तलाश जारी है। सुबाथू के साथ लगते ग्राम थड़ी में एक बार फिर दो कोरोना पॉजिटिव मामले आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। शनिवार रात को ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबाथू में दो कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की जा चुकी है, जिसके बाद ग्रामीण सतर्क हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि दोनों संक्रमित पति पत्नी कुछ दिन पहले ही सहारनपुर में एक विवाह समारोह में गए हुए थे, जिसके बाद संक्रमित परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद उनका सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट बीते दिन पॉजिटिव आई है। वहीं बीएमओ धर्मपुर अमित रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग दोनों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल रही है। फिलहाल दोनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उपमंडल पद्दर के किसान बहुत परेशान हैं। कोरोना की मार झेल रहे किसानों को अब फसलों की चिंता सताने लगी है। उनका कहना है कि उनकी मक्की की फसल को जंगली सुअरों ने उजाड़ दिया है। आसपास के गांव में भी जंगली सुअरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सुअरों ने पद्दर के गवाली से लेकर डलाह कुन्नू रिगड़ गाँव तक मक्की की फसल को तबाह कर दिया है। किसानों ने बताया कि निचले इलाके की यह अहम फसल मानी जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मक्की की फसल का हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार पद्धर से। अभी जो मक्के की फसल बीजी गई है, उसे कुछ जंगली जानवरों ने तबाह कर दिया है, जिसमें कि मैं खुद संतोष कुमार, हमारी फसल जंगली जानवरों ने तबाह कर दी है और साथ में रविचंद जी की भी फसल तबाह कर दी है। अब हम प्रशासन से ये विनती करते हैं कि इसके लिए कुछ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि हम इस अपनी इस फसल को बचा सकें जो अभी पूरी तरह तैयार है। पहले यहाँ पर आवारा पशुओं का कहर रहता था, अब जंगली जानवरों ने भी फसल को तबाह करना शुरू कर दिया है। तो हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पद्दर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। आए दिन कभी न कभी मंडी कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे किसी न किसी कारण बंद होता ही रहता है। ऐसे में इसके लिए एक ही वैकल्पिक मार्ग मंडी कटौला कांडी बजौरा है, लेकिन ज्यादातर सिंगल होने के कारण यहां भी कई घंटों तक जाम लगा रहता है। लोगों का कहना है कि कुछ एक किसान अपनी सब्जियां बेचने के लिए चंडीगढ़ पंजाब भेजा करते हैं, लेकिन शनिवार से मंडी कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से उनकी सब्जियां खराब हो रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वैकल्पिक मार्ग का चौड़ा होना बहुत जरूरी है। यदि इस को खोल दिया जाता है तो लोगों को काफी हद तक राहत मिल सकती है। उपमंडल स्वारघाट के तहत ग्राम पंचायत सोहन की सोहन महिला संपर्क सड़क पर इन दिनों पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। आलम यह है कि बारिश होने पर वाहन तो दूर, पैदल चलना भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सड़क पर जगह जगह पड़े गड्ढे व मिट्टी से लथपथ सड़क हर समय दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। वही सड़क के एक बड़े हिस्से पर दरार भी आ गई है और सड़क कई जगह से धस गई है। लोगों ने विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मार्ग की सुध ली जाए।